नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं बिहार सचिवालय सहायक मेंस एग्जाम अभी जो होना है 23 जुलाई को, तो उस एग्जाम के रिगार्डिंग कि एग्जाम में जो तैयारी आप लोग किए हुए हैं, अभी क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उस सबके बारे में बात करेंगे। कैसे तैयारी करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पे फोकस अभी करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बताएंगे वो। क्योंकि होता क्या है कि अभी मेंस का एग्जाम होना है और बहुत ही एक क्रूशियल टाइम है आपके लिए, ठीक है। सजेशन भी एक तरह से बहुत मैटर करता है, या तो आप खुद से भी आपका जो रिजल्ट है, जितने सारे इसमें लड़के हैं 11,000 समथिंग, तो उनको ये आइडिया है इस चीज़ का कि हमको मतलब जो भी जो आगे वाला सजेस्ट कर रहा है सामने वाला, तो उसमें से हमको क्या अच्छा चीज़ मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा है, जो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बात बोल रहे हैं उसमें से जो आपको ठीक लगे वो जो है आप उसको ले करके आप अपने तैयारी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी जो रद्दी लगे उसको छोड़ देना है, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। इसमें सजेस्ट करना भी जो होता है थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो हम भी तैयारी कर रहे हैं, जो मेरा अपना है थिंकिंग या जिस वे में हम तैयारी कर रहे हैं वो चीज आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले कि अभी आपका मात्र कितना दिन, मुश्किल से 10 दिन के अप्रॉक्स बचा हुआ है अभी तक। जो है वैसे एडमिट कार्ड नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा एडमिट कार्ड, 5 दिन पहले भी आ जाएगा। तो एग्जाम तो पटना में ही होना है, इसके लिए आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड वो टाइम पे ही दे देगा। एक दो लड़का का पिछले वीडियो में कॉमेंट था, आज से 7-8 दिन पहले वीडियो बनाए थे, तक उसमें कमेंट ये था कि क्या एग्जाम कैंसिल होगा, क्या एग्जाम में कोई प्रॉब्लम है, क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो एग्जाम होगा, एग्जैक्ट उसी डेट पे होगा। आप लोग इस भ्रम में ना रहे कि एग्जाम में कोई इशू होने वाला है, कोई इशू नहीं होने वाला है। क्या चल रहा है मैटर कोर्ट का, ये वो पलना ढिकना जो भी है वो अपना समझे, मतलब कोर्ट जाने आयोग जाने उससे आपको मतलब नहीं है। आपका सिर्फ काम है 23 जुलाई को एग्जाम देना, और उसके लिए अपने आप को बढ़िया से प्रिपेयर करना, ठीक है। तो हम लोग प्रिपेयर होंगे, बाकी जो है जो भी है। चलिए हम लोग बात करते हैं बिहार सचिवालय का। जो हम लोग सबसे पहले हम बात करेंगे आज मैथ, पहले मैथ पे बात करते हैं। तो मैथ जो आप लोग जो है मैथ प्रैक्टिस किए होंगे या सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सबसे पहले सेट के ऊपर बात करते हैं। सेट प्रैक्टिस आप लोग कर रहे होंगे, सेट प्रैक्टिस में जैसे पिछला कल के वीडियो में, दूसरा भी वीडियो अगर छोटा मोटा बनाते हैं तो उसमें भी कई एक सारे का कमेंट होता है कि सर मेरा 105 नंबर आ रहा है, क्या इतना में होगा क्या। भाई आप पीटी निकाल के आए हैं, पीटी बहुत बड़ा मतलब जो एक लाइन था उसको क्रॉस करके आए हुए हैं, ठीक है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ है कि आप पीटी निकाल के आए हुए हैं, मतलब 7-8, 7 लाख, 6 लाख लड़कों में से आप 11,000 में आए हैं। मतलब कितना सारा वैकेंसी 11,000 का जब होता है तो सोचिए कि उसमें आना कितना टफ काम है। तो आप आए हुए हैं, तो आप अगर आए हुए हैं तो आप में कुछ ना कुछ क्वालिटी है। और देखिए टेस्ट सीरीज में जब आप टेस्ट देते हैं तो कभी भी ये अगर नंबर आपका 2-4 नंबर कभी कम आ रहा है या 5 नंबर कम आ रहा है तो कभी डिप्रेस्ड मत होइए कि हाँ मेरा नंबर कम आ गया। हम भी देते हैं टेस्ट में, नंबर कम ज़्यादा आते रहता है, तो इसलिए डिप्रेशन में नहीं जाना है, डिप्रेस नहीं होना है कि मेरा नंबर जो है कम आ रहा है। सबसे पहले एग्ज़ाम निकालने के लिए देखिए, सबके अंदर टेंशन होता है, मेरे अंदर भी टेंशन है, लेकिन आपको एकदम एंथुजियास, क्या बोलते हैं उसको, एकदम अंदर से एकदम खुश रहना होगा, ठीक है। एंथुजियास्टिक मतलब उसको खुश रहना होगा, तब जा करके जो है आपका एग्जाम निकलेगा। एकदम जो है फ्री माइंडेड रहना होगा, ये नहीं कि 10 दिन का एग्जाम है तो फलना आदमी से जो है एकदम पूरा पैकअप, एकदम अपने रूम में पैक हो जाए, किसी से बात ना करे, ये ना करे, वो ना करे, नहीं, नॉर्मल रहना है, नॉर्मल वे में सबसे बिहेव करना है, तब जा करके आपका दिमाग पॉजिटिव रहेगा। नहीं तो ज़्यादा अपने आप को पैक करने की कोशिश किए तो फिर वहाँ पे दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ तक हम मानते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो है अपने आप को यहाँ पे
एक तो मजबूती प्रदान करना है, एक पॉजिटिव अपने आप को माइंडसेट रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट कि हाँ हमको एग्जाम निकालना है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज में जो है नंबर कम बेसी आते रहेगा, उसके लिए टेंशन ना लेना है। उसका केवल जो है रिवीज जितना, और एक चीज और है, जो पीछे का जितना सारा सेट आप दिए होंगे ना उसका रिवीजन एक बार कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन नहीं किए होंगे तो फिर दिक्कत होगा। रिवीजन आपका अभी जो फिलहाल है रिवीजन करना बहुत जरूरी है, तो रिवीजन जो है जितना सारा सेट बना है उसका जीके जीएस का पूर्ण रूप से रिवीजन कर लीजिए, एक बार जो है उसको देख लीजिए बढ़िया से। ये नहीं कि जो सेट बना लिए पीछे उसको देखें ही ना, अगर नहीं देखिएगा तो फिर दिक्कत है, कोई फायदा वायदा ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो जितना सारा सेट आप प्रैक्टिस पहले से किए होंगे तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं मैथमेटिक्स के। हाँ, कुछ लड़का ये भी कमेंट किए हुए था कि मेरा मार्क्स कितना आ रहा है, तो सेट के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा अगर सेट अगर टफ आता है तो 112-13 भी आता है, कभी कभी 115-16 भी आता है, और थोड़ा सा टेस्ट अगर लूज रहता है तो 120-125 भी आता है। तो अब अपने मन से तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो सेट प्रैक्टिस, देखिए हम पिछला सचिवालय सहायक में 123 नंबर लाए हुए थे, CGL 2 की बात करते हैं। ठीक है, तो उस समय तैयारी भी इतना नहीं था, फिर भी 123 नंबर लाए हुए थे। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जब सेट बनाते हैं तो 110 115 भी आता है, तो सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा सेट है, 117 भी आता है, और कभी कभी जो है अगर सेट अगर लूज सेट मिला तो 120 प्लस भी जाता है, तो वो डिपेंड करता है। दूसरा, करंट कितना पकड़ाया इसके ऊपर भी तो डिपेंड करता है, तो मेरा यही अप्रोक्सीमेटली जो है स्कोर आता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग जो है मैथ का प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो अगर आप सब मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई चैप्टर आपसे अगर जो क्वेश्चन नहीं बनता हो किसी चैप्टर से, या किसी चैप्टर का कंसेप्ट आप भुलाते होंगे, उस मैथ को जाकर के जरूर देखिएगा, और मात्र RS अग्रवाल से देखिए, इधर उधर दूसरा बुक्स जो है ज़्यादा लाने का जरूरत नहीं है, ज़्यादा इधर उधर दूसरा बुक मत लाइए, कोई दिक्कत कोई जरूरत नहीं है। अगला बात करते हैं। ठीक है, जितना मैथ का कंसेप्चुअल चीज़ है वो सब एक बार अभी से रिवीजन कर लीजिए। अभी आपका जो है मेनली क्या करना है, आगे आपको नहीं पढ़ना है, अब आगे ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि हाँ ये भी चीज़ पढ़ लिए वो भी पढ़ लिए, नहीं, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन नहीं करना है, अब सिर्फ जितना आपके पास है उसको रिवाइज करना है, उसको रीडिंग लगाना है, फिर से जो है दोबारा रिवाइज करना है, तिबारा रिवाइज करना है, चौबारा करना है, रिवीजन ज़्यादा अभी रिवीजन पे ज़्यादा फोकस्ड होना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अगर मैथ में आपको कहीं अगर ये लगता हो सेट की हम कम बनाए हैं, तो आप CGL का जो है CGL का प्रैक्टिस सेट उठाइएगा, 25-25 का जो मैथ है वो लगा जाइएगा, 10-20 लगा जाइए, 10-15 लगा जाइए, आपका मैथ ठीक ठाक रहेगा। दूसरा चीज़ है, आगे आइए रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग जो है, रीजनिंग के लिए हम आपको पहले भी बताए थे कि अगर आप रीजनिंग बना रहे होंगे तो कम से कम आपका नंबर जो है रीजनिंग में 45 प्लस आना चाहिए। ठीक है, अगर 45 प्लस अगर आपका रीजनिंग में नंबर नहीं आता है तो फिर वहाँ पे मेरिट लिस्ट में आने में आपको दिक्कत होगा, फाइनल सिलेक्शन में आपको प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए 45 प्लस यानी कि 48, 49 और 47, यानी कि 47, 48, 49 इस नंबर को आपको, इस नंबर पे आपको रहना पड़ेगा। रीजनिंग की बात करते हैं, और इसमें जो है देखिए, अभी आप अगर लेटेस्ट जो रीजनिंग खोजेगा कि हाँ मान लेते हैं कि जो BSSC है, BSSC का क्यों रीजनिंग बनाइएगा, तो उससे आपका रीजनिंग कंप्लीट नहीं होगा। आप अभी जो है रीजनिंग बनाइए BSCGL का जो रीजनिंग, सॉरी सेंट्रल CGL का जो रीजनिंग का जो एग्जाम हुआ है, जो पूछा गया है सेंट्रल CGL में, तो उसमें क्या कीजिए, उसका जो सेट प्रैक्टिस है, उसका जो 25-25 का सेट मिलेगा उसको जो है बना जाइए, उसको कम से कम 20-25 सेट अभी से आप बनाइए, 20-25 रीजनिंग का सेट बनाइए, तब जाकर के जो है आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद में इसमें क्या करना है,
कि जो चैप्टर में आपको कठिन जो चैप्टर आपको कठिन लगे या कहीं आपको दिक्कत हो तो वहाँ पे जो है इसको जो है आप वहाँ पे उसका जो भी क्वेश्चन है, देखिए उसमें आपको अलग अलग वेराइटी का क्वेश्चन मिलेगा, कुछ जो है क्वेश्चन आपको नया मिलेगा जो कि आपको डायरेक्ट जो है पूछेगा बिहार सीजीएल में, सेंट्रल सीजीएल का ही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ से पूछेगा। तो यहाँ पे बनाने के लिए आपको तो ये चीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उसके बाद आइए, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद आप बात करते हैं जीके जीएस पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जीके जीएस पे बात करते हैं। तो जीके जीएस के लिए दोस्तों, जीके जीएस के लिए आप इसमें से देख लीजिए कि करेंट आपको कम से कम जो है 12 से 15 क्वेश्चन करेंट से पूछेगा, करेंट सिर्फ 12 से 15 करेंट से ही पूछना है। तो आप करेंट के लिए स्पीडी पढ़ रहे होंगे या इडुटेरिया भी आया हुआ है कुछ दिन पहले, वो भी लिए होंगे, हो सकता है मे भी मतलब आप लिए होंगे, हो सकता है, या पीडी, देखिए इस महीने का जो पीडी आया होगा आज 11 तारीख 12 तारीख यानी कि आ गया होगा आज कल में जो है ये पीडी, तो इस पीडी को आप ले लीजिएगा, इसको पूरा बढ़िया से जो है एक बार देख जाइएगा, ठीक है। और भी जो जो बोर्ड में एग्जाम हुआ है एसएससी का या पीसीएस का जो एग्जाम हुआ है उन सभी क्वेश्चंस को जो है बढ़िया से देख जाइएगा, कौन सा बुक से, पीडी से, प्रतियोगिता दर्पण वे ले लीजिएगा, या पिछला 6-7 महीने का ले लीजिएगा। अगर आप नहीं ले सकते मार्केट से तो आप गूगल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे इजीली जो है डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। तो वहां से डाउनलोड कीजिएगा, तो ये नहीं कि सब पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है, उसका जो समरी जो स्मरणीय तथ्य देता है या उसमें का जो करेंट अफेयर्स देता है उसी को पढ़िए, और जो इस महीने का है उसको जो भी मतलब और जितना सारा एग्जाम हुआ है ना, जो पीसीएस लेवल का एग्जाम हुआ है, एसएससी लेवल का एग्जाम हुआ है, उस सारे क्वेश्चन को देख जाइए, ठीक है, वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। चलिए आगे, ये करेंट अफेयर्स के लिए भी जो है पीडी, उसके बाद में क्या बोले हैं अभी स्पीडी का जो बुक है उसको देखिएगा और पीडी देखिएगा, इससे ज़्यादा मत देखिएगा, इसको जो है पूरा बार बार रिवीजन कीजिए स्पीडी को, क्योंकि देखिए दोस्तों आपको करेंट ही है जो या तो आपको जो है पार घट लगाएगा यहाँ पे, नहीं तो एक भी दो क्वेश्चन ज़्यादा अगर मिस कीजिएगा ना करेंट में तो सीधा आउट ऑफ एग्जाम हो जाइएगा, सीधा जो है आउट ऑफ मेरिट लिस्ट हो जाइएगा एक तरह से कहिए कि, ठीक है। तो ये आपका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाएगा, ठीक है, ये करेंट अफेयर्स। तो इसको बार बार रिपीट कीजिए, जो आता है जो आपको याद है फिर भी उसको रिपीट कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे आदमी जो है बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करता है और उस सिली मिस्टेक्स को ठीक करने का एक ही है कि आप उसको कैसे ठीक करें, उसके लिए एक ही है कि आप बार बार रिविजन करें, दूसरा कोई उपाय नहीं है। करेंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये पोर्शन जो है, देखिए कुछ पोर्शंस के बारे में आपको बता रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है करेंट अफेयर्स। उसके बाद में जो है आप आगे आइए जीके जीएस में, बात करते हैं हिस्ट्री की, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद पॉलिटी हो गया, उसके बाद में जो है इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। देखिए हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको कहां से पूछेगा, तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो फ्रीडम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है उसको आप अच्छे से कवर कीजिए, भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1885 यानी कि इसको ना आप पीछे से ले जाइए, जैसे सन्यासी विद्रोह 1700 समथिंग में हुआ था वहां से ले जाइए, ठीक है, 1700 1800 1700 से लेकर के और आपको यहाँ पे 1947 तक को बढ़िया से कवर करना है। जब आप इसको कवर कर लीजिएगा यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री को बढ़िया से मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लीजिएगा तो आप हिस्ट्री का जो है ना
60-70% यहाँ से कवर कर लिए केवल मॉडर्न हिस्ट्री कवर करके, और एंशियंट हिस्ट्री में आपको एकदम चुन चुन करके पढ़ना है। एंशियंट हिस्ट्री में ये नहीं है कि पूरा हिस्ट्री जो है, अभी आपको सिर्फ रिवीजन करना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो एंशियंट हिस्ट्री में बताए हुए हैं आपको वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उसके बाद में मगध का जो उत्कर्ष हुआ था उसमें, और उसके बाद में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, उसी में जो है आगे पढ़ना है आपको गुप्ता डायनेस्टी, उसके पहले जो है मौर्य डायनेस्टी जो है वो मौर्य साम्राज्य, उसके बाद गुप्ता, उसके बाद जो है इतना काफ़ी है, इतना को आप रिवीजन कर लीजिएगा बढ़िया से मेरे साइड से। उसके बाद आगे है इतिहास में, आप जब मिडाइवल में जाते हैं, आगे जब आप मिडाइवल में जाते हैं तो आप मुगल काल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि एक 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 आध क्वेश्चन जो है वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, एक से दो क्वेश्चन मुगल काल और उसका जो शासन पद्धति है वो, उसके पहले जो है मुगल काल से पहले यानी कि सल्तनत काल है उसको पढ़ना है, उसका जो शासन पद्धति है उसको भी जो है एक बार रिपीट कर लेना है, रिविजन कर लेना है। ये इतिहास में भी जितना बताए हैं उतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको इतिहास नहीं पूछेगा, इतिहास में इतना ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, देखिए हिस्ट्री कर लिए, ज्योग्राफी आपको जो है बढ़िया से करना है, क्योंकि ज्योग्राफी में जो है आपको क्वेश्चन, ज्योग्राफी से क्वेश्चन अच्छा खासा आता है, यहाँ से आपको पूछा जाएगा ज्योग्राफी से क्वेश्चन। तो ज्योग्राफी से करने के लिए इसमें जो है आप इंडियन ज्योग्राफी कीजिए या वर्ल्ड का ज्योग्राफी कीजिए, सब मिक्स है। पहले तो जो यूनिवर्स चैप्टर आता है उसके बारे में पढ़िएगा ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में, तो वो आपको पूरा करना है उसको दोस्तों, वो पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन रहना है उस चैप्टर से, फिर महादेश, महासागर, ये सब जितना सारा है वहाँ से भी आपको रहना है, सबको रिवीजन करना है। हम पिछले वीडियो में भी इस तरह से बात किए हुए हैं और इस वीडियो में भी बात कर रहे हैं, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना सॉल्यूशन नहीं है एग्ज़ाम निकालने का, क्योंकि हम लोग भी जब एग्ज़ाम देते हैं तो यही समझ आता है कि जितना पढ़े हैं उसको अगर बढ़िया से रिवीजन कर लिए होते तो 2-4 क्वेश्चन जो हम लोग छोड़ देते हैं या सिली मिस्टेक्स हो जाता है वो नहीं होता, तो सिलेक्शन में रहते हैं, ऐसा सोचते हैं बाद में, लेकिन पहले नहीं कर पाते हैं। तो ये पहले आपको इस बार करके जाना है, अभी 10 दिन का टाइम है तो इसको करके जाइए, आपको ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बोल रहे हैं, हाँ भारत का भूगोल के बारे में बात कर रहे थे, उसके बाद में भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में बात करना है। देखिए जितना सारा कॉलम इसमें, एक चीज़ और बताएंगे, जितना सारा लुसेंट में आपको ये घेर घेर करके दिया हुआ है, ये कॉलम बना बना करके दिया हुआ है, इसको तो आप एकदम अच्छे से करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं करते हैं तो ये जितना सारा आप देख रहे हैं कि घेरा हुआ है ये ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे किसी भी, मतलब इसमें किसी भी सब्जेक्ट का वो पार्ट हो, यानी इतिहास का हो, भूगोल का हो, पॉलिटी का हो, कुछ ज्योग्राफी का हो, कुछ का भी हो, लेकिन वो चीज़ करना क्या है, ज़रूरी है। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री से कभी कदाल एकाध क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है, नहीं भी पूछता है तो वर्ल्ड हिस्ट्री का इसमें कोई ज़्यादा अहम योगदान नहीं है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ये हुआ, आगे आइए दोस्तों, देखिए इकोनॉमिक्स में जो है ना आप पंचवर्षीय योजना को पढ़ के जाइएगा, आर्थिक नियोजन जो है वो पढ़ के जाइएगा, ठीक, गरीबी चैप्टर है वो पढ़ के जाइएगा, इससे ज़्यादा इंडेक्स जो है आप करेंट में ही पढ़िएगा, यहाँ भी पढ़िएगा तो करेंट में ही जा करके इंडेक्स पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नया नया इंडेक्स पूछता है, जैसे विश्व खुशहाली रिपोर्ट बहुत सारा है, मानव ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है वो इंडेक्स, उसका रिपोर्ट, जितना सारा इंडेक्स है वो जा करके आप जो है करेंट में जा करके उसको बढ़िया से कीजिएगा, ठीक। इकोनॉमिक्स जो है
इकोनॉमिक्स के बारे में बता दिए कौन कौन चैप्टर रिवीजन करना है, ना कि आपको पहले से जो पढ़े हैं उसी को रिवाइज करना है। ठीक, इसके बाद आइए कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ईवीएस से पूछेगा, जो पिछला बार बताए थे कि एक बार प्लेटफॉर्म का बुक ईवीएस का आता है वो ले लीजिएगा। आपको मुश्किल से 20-25 पेज में है, उसको एक बार देख लीजिएगा उसको भी, क्योंकि जब आप पहले से आप पढ़े होंगे तो आपको जो है वो आसान ही लगेगा, ज़्यादा हार्ड लगेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और है, ज़्यादा आप कंसेप्चुअली जो है ना लूसेंट पे ही फोकस कीजिएगा, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम निकाले हुए हैं पीटी, तो आपका जो स्पीडी का जो बुक होगा वो ऑलमोस्ट जो है ठीक ठाक होगा सभी का, क्योंकि वहाँ से जो है पीटी ऐसे नहीं निकला होगा, फैक्चुअल क्वेश्चन आपको सारा याद होगा, तभी जाकर के आपका पीटी एग्ज़ाम निकला हुआ है। तो इस पर ज़्यादा मेंस में देखिए, मेंस में आपका क्या है ना कि 150 क्वेश्चन पूछना है, जो भी लड़का आएगा वो 120 को आराम से जो है अटेम्प्ट लेगा, 120-130 सबके सब अटेम्प्ट लेगा, 125 के आसपास। तो यहाँ सब लेगा अटेम्प्ट, 10% के अप्रॉक्स गलती भी होता है, 10-12% जितना भी आप अटेम्प्ट लीजिए 10-15% गलत होता है, श्योर है। तो अब आगे कोई कोई ऐसा लड़का होता है जिससे नहीं होता है, ठीक है, जिसका गलती कम होता है वो सिलेक्शन में रहता है। आगे आइए, अब इसमें जो है आपको 20 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो आपको एकदम जो है क्या करेगा, आपसे तन जाएगा, मतलब तन जाएगा कहने का मतलब है कि बहुत उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल उसका क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। उसके लिए जो है वो जो है आपको लुसेंट ही काम आएगा वहाँ पे, लुसेंट वो आप गोड रूप में क्या बोले उसको, कंसेप्चुअली उसको एकदम बारीकी से लुसेंट को पढ़े हुए हैं, कंसेप्चुअली कंसेप्ट बेस पूरी कंसेप्ट को बढ़िया से पढ़े हुए हैं, तभी जा करके वो आपको पकड़ा जाएगा। ये 20 क्वेश्चन जो है मान लेते हैं इसमें से मैथ रीजनिंग में भी हो सकता है, तो ये 20 क्वेश्चन के लिए आपको जो है ना यहाँ पे यानी कि साइंस और जीके दोनों मिला के बोल रहे हैं, तो इसके लिए आपको लुसेंट ही काम आएगा, लुसेंट कंसेप्चुअल जो पढ़िएगा वही काम आएगा, वहाँ पे स्पीडी काम नहीं आएगा, स्पीडी तो फैक्चुअल क्वेश्चन, सिली मिस्टेक्स हो सकता है कि स्पीडी पढ़िएगा तो कम हो जाएगा, लेकिन ये वाला पढ़िएगा तो और ज़्यादा मजबूती उसमें आएगा, मतलब अपने तैयारी को और ज़्यादा कंसोलिडेट कर सकते हैं। ठीक, तो आगे देखिए, चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं साइंस के ऊपर। ठीक है, हाँ दोस्तों एक चीज़ और पहले बताना चाहेंगे कि इसमें हम भूल गए थे कि आपको जो है जो विविध दिया हुआ है लुसेंट का, विविध जो दिया हुआ है इस विविध को जो है ना छक्का छोड़ा दीजिए, इसको बढ़िया से कीजिए विविध को, ये विविध विविध जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है, विविध जो है आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये आपको यहाँ से आपको 7-8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 7 केवल विविध जो लुसेंट का जो विविध है उसको बढ़िया से कीजिएगा, जितना सारा लास्ट में जितना सारा विविध का जो चैप्टर है, ठीक है, उसको जो है आपको एकदम पूरा फोकस्ड करके बढ़िया से कर लेना है विविध का चैप्टर बढ़िया से। चलिए अब साइंस की बात करते हैं, तो साइंस जो है दोस्तों अब आप दूसरे किताब से मत पढ़िएगा, मेरा हमको जहाँ तक लगता है हम वो बता रहे हैं, साइंस ये इतना आपके लिए काफ़ी है, इसी बुक का जो साइंस है वो क्या है आपके लिए, ये जो बुक का जो साइंस है यही बुक का साइंस आपके लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको साइंस करने की ज़रूरत नहीं है, और इस बुक का जो है कंसेप्चुअली साइंस पढ़ लीजिएगा अच्छे से कर लीजिएगा, ये सब जब आप कर लेते हैं ये सब चीज़ आप कर लेते हैं, उसके बाद बिहार स्पेशल से ज़्यादा क्वेश्चन जो दोस्तों पूछेगा ना 4-5 रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, तो आप उसको जो भी आपके पास बुक होगा पहले से जिसको पढ़े होंगे उसी को पढ़ लीजिएगा, सेंसस देख लीजिएगा बिहार का भी और भारत का भी बढ़िया से देखिएगा सेंसस, क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी है, 1-2 क्वेश्चन वहाँ से आना ही आना है। ठीक, वैसे ज्योग्राफी पढ़िएगा तो इसमें भी सेंसस है आपको, उसके बाद दोस्तों आप इस बुक को अगर आपके पास हो सार संग्रह का NCERT का जो सार संग्रह है इसको करना है, इसको कर कीजिएगा, इसमें से आपको बहुत सारा जो फैक्चुअल चीज़ है और इसमें भी कुछ कुछ चीज़ ऐसा दिया हुआ है जो आपको लुसेंट में नहीं है या और बुक में नहीं है, तो ये आपको बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बेहद ज़्यादा जरूरी
और समझ के इसको एक बार रीडिंग जो है जरूर दे दीजिएगा। मतलब देखिए आपको पढ़ना क्या है, देखिए डेली जो है आप कम से कम 8 से 10 घंटा तो पढ़िए रहे होंगे, 8 से 10 घंटा पढ़ना भी चाहिए आपको, तो 2-3 घंटा आप सेट प्रैक्टिस पे लगाते होंगे, सेट और डिस्कशन वो सब 3 घंटा लगाते होंगे, 3 घंटा आप लुसेंट पे दीजिए, ठीक है 3 घंटा लुसेंट पे दीजिए, आप 2 घंटा जो है करेंट अफेयर्स पे दीजिए, ठीक है 2 घंटा आपको करेंट अफेयर्स पे देना होगा, और इसको ना आप एक से डेढ़ घंटा या 2 घंटा इसको भी, या आपके पास स्पीडी होगा उसको भी, स्पीडी या ये कोई दोनों में से एक, ये आप जो है इसको 2 घंटा फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए दे दीजिए ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो, यानी कि 2 घंटा ये सब बुक के लिए दीजिएगा, तो 3 दिन 6 दो 8 दो 10 10 घंटा पढ़ लीजिए, इतना काफ़ी है 10 दिन में, 10 घंटा जो पढ़िएगा 10 दिन में कितना होगा 100 घंटा पढ़िएगा, इतना आपके लिए जो है क्या है काफ़ी है। तो दोस्तों अब जो है ये हम जितना बोले हैं, मेरा जो तैयारी करने का स्टाइल है उसके बेस पे बोले हैं, या हम जो तैयारी कर रहे हैं, अब आप इसमें से कितना ग्रैब करना चाहते हैं कितना छोड़ना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो अच्छा जाएगा, और आप जब पीटी का रिजल्ट निकाले हुए हैं तो इतना आपको अनुभव होगा कि कैसे क्या है, और सामने वाला जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी अगर आपको लगता है कुछ जानना है या कुछ, तो उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम उस पर जो है फिर से वीडियो लेकर आएंगे, और तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, नमस्कार साथियों एक बार फिर से।